हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बाईपास सर्जरी के बाद डाइट कैसी होनी चाहिए। इस बारे में काफ़ी वीडियोस हमने किए जिसमें एंजियोप्लास्टी के बाद, हार्ट अटैक के बाद डाइट्स पर हमने बात की है। काफ़ी लोग हमसे स्पेसिफिकली पूछते हैं कि आप एंजियोप्लास्टी के बारे में तो आपने इतना बताया है, लेकिन बाईपास के बारे में आपने कभी कुछ नहीं बोला है। क्या फ़र्क है इसमें? क्या बाईपास के बाद भी वही चीज़ें फॉलो करने की ज़रूरत है? क्या मेडिसिन वैसे ही फॉलो करने की ज़रूरत है? क्या फॉलोअप वैसा ही होता है जैसे एंजियोप्लास्टी के पेशेंट्स में होता है? तो देखिए, प्रैक्टिकली जहाँ तक सवाल है मेडिसिन का, डाइट का, फॉलोअप का, ऑलमोस्ट ये सब कुछ सिमिलर ही होगा। मेडिसिन, डाइट, फॉलोअप, सब कुछ रूल्स जो है इसेंशियली सिमिलर ही होगा एंजियोप्लास्टी के पेशेंट के बाद। एंजियोप्लास्टी के पेशेंट के बाद जैसे हम कहते हैं उनको कि तेल, घी, नमक, शुगर, नॉनवेज, ये सारी चीज़ें उनको कम रखनी है। नॉन वेजिटेरियन फूड में फिश ले सकते हैं, अंडे का सफ़ेद भाग ले सकते हैं, मटन चिकन कम रहेगा, उसके पीसेस आपको अवॉइड करने हैं। नॉन वेजिटेरियन फूड में फिश ले सकते हैं, अंडे का सफ़ेद भाग ले सकते हैं। जो भी फूड मटेरियल आप प्रिपेयर करें उसमें तेल घी की मात्रा बिल्कुल कम रखें। बॉइल्ड फूड या एक्सटेंसिवली बिल्कुल तेल रहित खाना खाने को हम रिकमेंड इसलिए नहीं करते क्योंकि वो लंबे समय तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं लोग। ज़्यादातर तो लोग ये डाइट की चीज़ें चालू कर देते हैं और थोड़े दिन के बाद वो मेंटेन नहीं कर पाते, उसके बाद वो परेशान हो जाते हैं कि उस तरह का खाना पेशेंट खा ही नहीं पाते। पेशेंट रिवोल्ट करने लग जाते हैं कि इस तरह का खाना हम लंबे समय तक नहीं खा पाते क्योंकि ऑब्वियसली टेस्टलेस या स्वादरहित खाना आप कितने समय तक खाओगे। तो इसीलिए ज़्यादातर लोगों के लिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि आपको लेस ऑयली, लेस स्पाइसी फूड खाना है। और डाइटरी रिस्ट्रिक्शन का फॉलो करने का मतलब ज़्यादातर तभी है जब आप उसको लंबे समय तक मेंटेन करिए। ये मान के चलिए कि आप अगर डाइट को आप चेंज कर भी रहे और 10 दिन के लिए आपने चेंज कर लिया तो उससे पेशेंट को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। उल्टा जब वो वापस रिवोल्ट के मूड में आ जाएगा और अपना नॉर्मल खाना खाने चालू कर देगा, ज़्यादा ऑयली खाना खाने चालू कर देगा, तो आपको और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। डाइट से फ़ायदा तभी है जब आप उसे लंबे समय तक मेंटेन करें। और बहुत एल्डरली या उम्रदराज पेशेंट में हम बिल्कुल उनको डाइट करने का रिकमेंड नहीं करते। उसका रीज़न यही है कि उम्रदराज पेशेंट जब ऑलरेडी 75-80 के हो चुके हैं तो उसमें आप अगर डाइट करने की भी कोशिश भी करेंगे या उनको तेल रहित या स्वाद रहित खाना खिलाने की कोशिश करेंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि वो अपना नॉर्मल खाना भी बंद कर देंगे, नॉर्मल खाना भी कम कर देंगे और फिर उनकी हेल्थ गिरने लग जाएगी, वजन गिरने लग जाएगा, उससे ज़्यादा साइड इफेक्ट्स उनको उससे हो जाएंगे। तो उम्रदराज पेशेंट में तो आपको बिल्कुल डाइट रिस्ट्रिक्शन नहीं करने की कोशिश करनी है। रादर 70-75 के एज के बियॉन्ड तो मैं तो पेशेंट को बोलता हूँ आपको जो पसंद हो खाइए, जितना तेल खाना है खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत मैं ऑब्वियसली ऐसा नहीं कहूँगा कि आप बहुत ज़्यादा तेल खाओ, पर लेकिन अगर आप मीडियम वे में मेंटेन उसको कर सको और अगर स्वादानुसार खाना जैसा पहले खाते थे वैसा खा सको तो कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट अगर तेल वाला खाना भी खाएं तो भी इतना बुरा नहीं क्योंकि नया कोई भी ब्लॉकेज डेवलप होने में 5-10 साल मिनिमम लगता है। तो इसलिए इस उम्र में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहने का मतलब नहीं है। बहुत गार्डेड वे में कंट्रोल करके अगर हम डाइट को रिस्ट्रिक्शन अगर थोड़ा बहुत वे में कर लें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इस तरह के पेशेंट्स में कोई भी नया ब्लॉकेज डेवलप होने में 5-10 साल लगता है। तो अगर आप इस उम्र में बहुत ज़्यादा डाइट रिस्ट्रिक्शन करने की कोशिश करोगे और लोग ने अपना खाना पीना ही बंद कर दिया या खाना ही कम कर दिया और वजन गिरना चालू हो गया, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होना चालू हो गया, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए डाइट के लिए ज़्यादा अग्रेशन यंग पेशेंट्स में होना चाहिए। उम्रदराज पेशेंट में कंपेरेटिवली थोड़ा सा रिलैक्स रहेंगे डाइट में तो चलेगा। ज़्यादातर फल सब्जियों पर ज़्यादा फोकस करिए, फाइबर रिच चीज़ें ज़्यादा खाइए, अनरिफाइंड फाइबर रिच चीज़ें या होल ग्रेन ब्रेड्स ये सब चीज़ें ज़्यादा खाइए। सीरियल्स या दालें हैं, पल्सेज है, लेंटिल्स है, बीन्स है, ये सारी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करिए। ब्राउन राइस ले सकते हैं, वीट ले सकते हैं, बेरीज ले सकते हैं। ज़्यादातर साग सब्जी वाले डाइट पर ज़्यादा फोकस करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स लेना है तो उसमें मलाई निकाल के या लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लें, और अगर मीट लेना है तो लीन मीट या फैट फ्री मीट लें तो वो कंपैरेटिवली आपको ज़्यादा हेल्दी रहेगा, लॉन्ग टर्म में वो आपको ज़्यादा फ़ायदा करेगा। कोलेस्ट्रॉल का ओवरऑल कंटेंट आप फूड में कम रखिए। फैट प्रोटीन की जहाँ तक बात है 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट प्रोटीन होना चाहिए, यानी 60 किलो के आदमी को लगभग 60 ग्राम प्रोटीन खाना चाहिए। बहुत अगर आपको बॉडी बहुत ज़्यादा लीन थिन, आपको वेट गेन करना है तो आप ज़्यादा प्रोटीन ले सकते हैं, 1.2-1.3 ग्राम पर kg बॉडी वेट भी ले सकते हैं। अगर बॉडी ऑलरेडी ज़्यादा है और आपको वज़न कम करना है तो थोड़ा कम भी रख सकते हैं, पर फिर भी प्रोटीन पर ज़्यादा फोकस करें तो अच्छा है। इसमें नॉन वेजिटेरियन फूड में फ़िश, मीट, एग्स, डेयरी प्रोडक्ट्स या लो फैट जो भी चीज़ें आती हैं, और वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स में बीन है, नट्स है, सीड्स है, साग सब्जियां, ये सारी चीज़ों में आपका प्रोटीन ज़्यादा रहता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है। ऑन एन एवरेज जितना ज़्यादा आप प्रोटीन कंटेनिंग फूड लेंगे उतना थोड़ा सा वज़न हेल्दी वे में आपका बढ़ेगा और बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा खाली फैट बढ़ेगा बॉडी का, ऐसा नहीं होगा। अगर बॉडी वेट आप पुट ऑन भी करते हो तो थोड़ा हेल्दी रहेगा। रिकमेंडेड रूल ऑफ थंब इसमें यह है कि दिन भर का सैचुरेटेड फैट कंटेंट जो है वो 7% ऑफ टोटल कैलोरी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी टोटल आप मान लीजिए अगर 1400 कैलोरी खा रहे हैं तो उसमें से आपका 7% ये कंटेंट ही खाली ये होना चाहिए, यानी उसमें से सिर्फ 100 कैलोरीज जो है आपकी वो सैचुरेटेड फैट से आना चाहिए। 7% ऑफ टोटल जितना डाइट इंटेक है, मान लीजिए अगर 1000 कैलोरी है तो 70 कैलोरी आपका सैचुरेटेड फैट होना चाहिए। 1400-1500 कैलोरी जो नॉर्मल डाइट मानते हैं तो 100 से 105 कैलोरी आपका सैचुरेटेड फैट से आना चाहिए। ट्रांस फैट का कंटेंट 1% से भी कम होना चाहिए, जितना कम उतना अच्छा, ऑलमोस्ट बंद ही हो तो ज़्यादा अच्छा है। कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट दिन भर में 300 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल इंटेक दिन भर में 300 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फिश ज़्यादा ले, फिश हेल्दी है। अगर नॉन वेजिटेरियन फूड आप लेते हैं तो फिश लीजिए। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि वेजिटेरियन लोग वेजिटेरियन डाइट बंद कर दें और फिश लेना चालू कर दें, ऐसा नहीं। ऑब्वियसली हर आदमी की अपनी डाइटरी प्रेफरेंसेस होती हैं। अगर आप फिश लेना चाहते हो तो ज़्यादा लीजिए, और उसमें फैटी फिश या ऑयली फिश को ज़्यादा लीजिए। फैटी या ऑयली फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंटेंट ज़्यादा रहता है तो आपके लिए हेल्दी है। हाई फाइबर फूड्स या होल ग्रेन कंटेनिंग फूड्स को ज़्यादा लीजिए। होल ग्रेन कंटेनिंग फूड्स में आपको थोड़ा सा उसका फाइबर कंटेंट ज़्यादा मिलेगा, उसका हस्क मिलेगा, मिनरल्स और विटामिन ज़्यादा मिलेंगे, तो उनको ज़्यादा प्रेफर कीजिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज़्यादा लीजिए। अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो कम्प्लीटली फैट फ्री डेयरी प्रोडक्ट्स या स्किम मिल्क या डबन टोल मिल्क, इस तरह की चीज़ों को आप ज़्यादा प्रेफर कीजिए, तो वो आपको फैट कंपेरेटिवली कंटेंट उसमें बहुत कम होगा। अगर ड्रिंक्स की अगर आप बात करें तो कोई भी बेवरेज जिसमें एडेड शुगर है उसको आप अवॉइड कीजिए। जो भी ड्रिंक्स आप ले रहे हैं वो बिल्कुल शुगर फ्री होना चाहिए या बिल्कुल मिनिमम शुगर होना चाहिए। शुगर फ्री टैबलेट्स वगैरह की जहाँ तक बात आती है उसके लिए मैंने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो किया है। शुगर फ्री को भी बहुत हेल्दी ऑल्टरनेटिव नहीं माना जाता है। हाँ, डायबिटिक लोगों में कार्बोहाइड्रेट कम अगर आपको करना है तो उसके लिए फिर भी ठीक है, लेकिन ओवरऑल इसको बहुत हेल्दी ऑल्टरनेटिव नहीं माना गया है, क्योंकि उसमें भी आदमी का कार्बोहाइड्रेट की क्रेविंग बढ़ जाती है और शुगर फ्री के नाम पर हम बहुत ज़्यादा खाने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से आपका ओवरऑल फैट कंटेंट दिन भर का या शुगर कंटेंट जो आप चाहते हो कम होना वो उतना नहीं हो पाता है। नमक की बात करें अगर तो दिन भर में 1.5 से 2 ग्राम नमक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिन लोग का बीपी ज़्यादा है उनके लिए। अगर बीपी कम है या नॉर्मल है तो आप नॉर्मल या ज़्यादा नमक भी ले सकते हैं। अगर बीपी नॉर्मल है तो नॉर्मल नमक, बीपी कम है तो ज़्यादा नमक, अगर बीपी ज़्यादा है तो कम नमक। आइडियली हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को और हाई बीपी वाले पेशेंट्स को नमक कम रखना है। नमक कम से मतलब ये है कि दिन भर में 1.5 से 2 ग्राम नमक होना चाहिए, और नॉर्मली हमारे इंडियन डाइट में वैसे भी 8 से 12 ग्राम नमक होता है, तो आप जितना कम नमक लेंगे उतना अच्छा है आपके लिए। अल्कोहल लेने वाले जितना कम ले, हफ्ते में 1-2 बार अगर अल्कोहल ले तो ज़्यादा अच्छा है, और आपकी ओवरऑल कैलोरी इंटेक को 1500 से आसपास मेंटेन रखिए। बहुत ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें नहीं खाने, वज़न नहीं बढ़ने देना है। हर चीज़ का डाइट्री जो प्रिंटेड है उसमें डाइट्री कॉन्स्टिट्यूट वो प्रॉपरली देखिए कि उसमें कितना कैलोरी है, कितना फैट है, कितने सब्सटीट्यूट्स हैं, कितना ऑयली फूड है, कितना प्रिजर्वेटिव्स है, ये सारा चीज़ों पर थोड़ा फोकस रखिए तो आपको बेसिकली थोड़ा डाइट का आइडिया रहेगा, और हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करने की कोशिश कीजिए, वज़न बहुत ज़्यादा ना बढ़े। तो आज के टॉपिक में हमने बाईपास सर्जरी के बारे में डाइट के लिए बात की। ज़्यादातर हार्ट अटैक के पेशेंट और एंजियोप्लास्टी के पेशेंट और बाईपास के पेशेंट का डाइट सिमिलर होता है, तो अगर आप डाइट से रिलेटेड कोई भी एक वीडियो देख ले तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा कि डाइट में हम क्या क्या चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आप अगर फोकस करेंगे तो दोबारा तकलीफ आने का चांस कम हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि तकलीफ आने का चांस जीरो हो जाएगा, पर कम हो जाएगा। जितना अच्छा आप मेंटेन करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। लोगों का बाईपास सर्जरी से क्या कॉन्सेप्ट होता है कि बड़ा ऑपरेशन हो गया, सर्जरी हो गई, अब दवाई बंद, खाना पीने का परहेज बंद, अब तो बाईपास हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। बाईपास में भी रीब्लॉकेज आ सकता है, बाईपास भी दोबारा से बंद हो सकता है, बाईपास भी दोबारा से तकलीफ दे सकता है। आपको परहेज रखना है, आपको दवाई हर हालत में कंटिन्यू चालू रखनी है। अगर आप दवाइयों में लापरवाही करेंगे तो फिर आपको बार बार तकलीफ आएगी। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है, कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं, कोई पेशेंट रिलेटेड क्वेरीज है तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताएं, हम उन्हें कवर करने का जरूर प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग इस सारा कंटेंट का पूरा डिटेल्स नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पर हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, जिसमें सारे टॉपिक्स का 1 मिनट ब्रीफ समरी आपको देते हैं।
आप ये समरी वाले वीडियोस को देख सकते हैं, तो आपको एक बेसिक आइडिया हो जाएगा। और सादा ये सारे कंटेंट को ढूंढने में माता बच्ची नहीं करना पड़े, इसके लिए हमारे चैनल पर बहुत सारे प्लेलिस्ट डिवाइडेड है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, एंजियोप्लास्टी, बाईपास, ये सारे प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर, इनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में छोड़ दे रहा हूँ। आप उस पर क्लिक करके स्पेसिफिक लिंक पर जाएंगे तो आपको सारे वीडियोस आपके बीमारी के मतलब के मिल जाएंगे, तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा और सारा रिलेवेंट कंटेंट आपको मिल जाएगा। थैंक यू।